कल क्लास 12th का रिजल्ट निकला है जम्मू प्रोविंस का, और काफ़ी बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं जिनका अच्छा रिजल्ट आया है। और आज हम इसी मसले में बात करेंगे शिवांग सत्य गुप्ता जी से, जो एक एजुकेशनिस्ट हैं और वो एजुकेशन सेक्टर में, खास करके 11th 12th सेक्टर में जो क्लासेज होती हैं उसमें काफ़ी इनोवेटिव तरीके बच्चों के लिए उनने के अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो आइए बात करते हैं शिवांग सत्य गुप्ता जी से कि उनका क्या प्रतिक्रिया है रिजल्ट्स को लेके। पहले तो मैं सारे जम्मू के स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशन दूंगा कि जिनका रिजल्ट्स आया है, बिकॉज ये जो एग्जामिनेशन हैं ये एक पैरामीटर ज़रूर है, बट ये सिर्फ पैरामीटर नहीं है। बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं, ऑल स्टूडेंट्स शुड सेलिब्रेट। जैसे हम कहीं पे मैरिज में जाते हैं तो सबकी नहीं होती है, बट सब लोग मैरिज सेलिब्रेट करते हैं। किसी बर्थडे में जाते हैं, सबका बर्थडे नहीं होता है, बट सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए जो बच्चे आज सक्सेसफुल हुए हैं, कामयाब हुए हैं, उनकी सेलिब्रेशन भी है, और जो किसी वजह से, किसी कारण से नहीं हो पाए हैं वो भी सेलिब्रेट करें कि उनके फ्रेंड्स कामयाब हुए हैं, आगे बढ़ेंगे, ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। और ये लाइफ का यही एडवेंचर है, लाइफ की यही खूबसूरती है कि हार है, जीत है, प्लस है, माइनस है, बट इन सब के बीच में एक ट्रुथ है। वो ट्रुथ ये है कि हम लोग समाज के लिए, देश के लिए, वर्ल्ड के लिए कंट्रीब्यूट करें, अच्छी तरह मेहनत करें। ये जो स्टूडेंट्स हैं अब ये कॉलेजेस में एंटर करेंगे, ये दे विल बी एंटरिंग इनटू अ मैच्योर्ड लाइफ, और कुछ महीनों में, कुछ एक दो साल में दे विल बी मैच्योर्ड एडल्ट्स जो कि सिटीजन बनेंगे आगे चल के देश का। तो मेरा ये मैसेज है सब बच्चों को, सारे पेरेंट्स को और सारे एजुकेशनिस्ट फ्रेटर्निटी को कि आप सब लोग मिलके एक टीम की तरह बच्चों के लिए काम करें, अपने पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल बेनिफिट्स और पर्सनल ग्रोथ को साइड पर रख के देश के बेनिफिट, देश की ग्रोथ की बात करें, क्योंकि देश है तो हम भी हैं और स्टूडेंट्स ही देश की स्ट्रेंथ है। किसी एक इंग्लिश के बड़े खास पॉइंट ने कहा था, नेशन स्ट्रेंथ उसके लोग हैं, और उन लोगों से भी खास उसके स्टूडेंट्स हैं जो आगे चल के देश और समाज में सिटीजन्स बनेंगे। तो इन बच्चों को बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे मार्क्स कम आए हैं, हमारे ज़्यादा आए हैं, हमारे कम नहीं आए हैं, हमारे ज़्यादा नहीं आए हैं। इस डिबेट से बाहर निकल के इनको एक दूसरे का सक्सेस सेलिब्रेट करना सिखाना है। मैं बहुत मन से और बड़ी बड़ी प्योरिटी के साथ ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को जिन्होंने सेल्फलेसली बच्चों को तैयार किया, कि हर एक बच्चे का सेक्स सेलिब्रेट करें, फिर जो चाहे अपना बच्चा हो, चाहे वो किसी और का बच्चा हो। और अगर कोई बच्चा किसी वजह से डिमोरलाइज्ड है, किसी वजह से वो महसूस कर रहा है कि उसको अप्रोप्रिएट मार्क्स नहीं मिले हैं, तो वो हिम्मत करे, हार्डवर्क करे, और नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी का मौका उसका आएगा और वो सेलिब्रेट करे और मेहनत करे, हार्डवर्क करे। और इसमें मुबारक देने का बात बनता है J&K बोर्ड की, हमारी चेयरमैन साहब की टीम को, जिन्होंने इतने शॉर्ट स्पैन में रिजल्ट कंपाइल किया और वक्त रहते ये रिजल्ट CBSE से पहले आउट कर दिया ताकि बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले गवर्नमेंट स्कीम्स का। और इसके साथ रिजल्ट जो है वो पहले से ज़्यादा बेटर हुआ है, प्रोसेसेस एग्ज़ाम के और प्योर हुए हैं। जितने भी गवर्नमेंट के हमारे लेक्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, उन सबको कंग्रेचुलेशन हैं और उनके पेरेंट्स को कंग्रेचुलेशन हैं। हमारे कैबिनेट मंत्री हैं जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, उनके लिए ये मुबारक है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो और ऑफिसर्स हैं उन सबके लिए मुबारक है। बेसिकली एजुकेशन सेक्टर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सेलिब्रेशन नहीं हम कह सकते कि एक पर्टिकुलर नाम या पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएटेड है। इसके पैरामीटर्स जो है वो बियॉन्ड कंट्रीज़ हैं। फिलहाल तो हम ये मान सकते हैं बियॉन्ड स्कूल्स हैं, बियॉन्ड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल डिबेट है। हमने प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल की डिबेट से बाहर जाना है। हमने देखना है कि स्टूडेंट है, फिर चाहे उसको कोई भी सेक्टर पढ़ा रहा है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो सिंसियर सेक्टर है, अकाउंटेबल सेक्टर है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूलों को भी मुबारक है जिनके बच्चों ने कामयाबी पाई है, प्राइवेट स्कूलों को भी मुबारक है जिनके बच्चों ने कामयाबी पाई है, और सबको मुबारक है। और जहाँ कहीं कोई कमी रह गई है हमें आपस में बैठ के उसको देखना है, समझना है कि किसी भी बच्चों को कभी भी किसी किस्म का लॉस ना हो, और देश के प्रति सब बच्चों के मन में कमिटमेंट बढ़े, नेशनल करेक्टर बिल्ड हो। और इसी मैसेज को मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग समाज को दें, और जितना कंट्रीब्यूट हो पाएगा मेरी तरफ से, मेरे ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, और जहाँ कहीं भी कहीं पे किसी को लगता है कि शिवांग सत्य गुप्ता कोई भी किसी किस्म का भी रोल प्ले कर सकता है, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। ईश्वर हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे एजुकेशन सेक्टर को, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर का नाम और कारणों से पॉपुलर है, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सब लोग मिले, मेहनत करें ताकि जम्मू कश्मीर का नाम एजुकेशन सेक्टर की वजह से पॉपुलर हो।
लोग बोलें कि अगर एजुकेशन चाहिए तो अगर कोई बाहर कंट्रीज़ में जाना पसंद करते हैं तो वो जम्मू कश्मीर में आएँ कि हाँ यहाँ पर आके एजुकेशन लें, तो वो बड़ा ड्रीम है। हम सब मेहनत करेंगे, हम सब सेक्टर वाले मेहनत करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट का डायरेक्ट सेक्टर हो या प्राइवेट स्कूल्स हो जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन के साथ पढ़ाते हैं। मेहनत करें, टीम बनाएं और आने वाले समय में अपने देश अपने समाज के लिए बेटर काम करें। थैंक यू वेरी मच सर। हम आशा करते हैं आप इसी तरह से रिफॉर्म्स करते रहें एजुकेशन सेक्टर में और बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें। इसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे आज का हमारा ये सेगमेंट। कैमरामैन सेवाराम के साथ आशीष, द अर्थ न्यूज़।